अल्लाह वीवर्स कैसे हैं आप सब है सब ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों में अपने अपने फैन खुशम जिंदगी गुजार रहे होंगे तो हमारी वीडियो आ चुकी है विच इज़ ऑल अबाउट आई मेकअप इसमें मैं आपको सिर्फ आई मेकअप बताऊँगी मेरे पास इस वक्त कोई मॉडल uh, जो है वो रेडी नहीं थी बट मैं आपको थ्री शेड्स का आई मेकअप बताऊँगी मेरी काजन के चेहरे पर उसके आईब्रोज नहीं बने हुए इसने मैंने आईब्रोज की शेप भी नहीं दी है ठीक है इसकी मैं कटिंग तक नहीं कर सकती हूँ ओके तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं इसमें मैं आपको थ्री शेड्स का यूज़ बताऊंगी ठीक है तो अब हम चेहरे की तरफ आ गए हैं फाउंडेशन इस पर लगी हुई है ठीक है चेहरे पर और अब जो है वो हम डायरेक्ट क्योंकि सिर्फ आई मेकअप का ट्यूटोरियल है तो सिर्फ आई मेकअप मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले हमने जो है वो फेस पाउडर या लूज पाउडर लगा के बेस सेट कर लेनी है अब मैं ये डायरेक्ट ब्रश ले रही हूँ कंटोरिंग का और इसमें ये ब्राउन शेड मैंने डिप किया है इस ब्राउन शेड को पहले मैं क्रीज़ लाइन पे लगाऊंगी ठीक है और अच्छे से ब्लेंडिंग के साथ लगाऊंगी अच्छे से ब्लेंड करते करते लगाऊंगी पूरी क्रीज़ लाइन इसको मैं आ, कवर करूंगी ये ब्राउन शेड के साथ है ठीक है इसके बाद इसको जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद मैं जो है वो ये वाले ब्रश से स्मॉल ब्रश से ये मरून शेड है ये इसमें रेड पिगमेंट दे रहा है बट ये मरून शेड है ग्लैमरस की किट में तो ये मरून शेड जो है वो मैं पिक करूंगी और इस मरून शेड को मैं कॉर्नर पर लगाऊंगी ठीक है अब आप देख रहे हो कि मेरी क्रीज लाइन कितनी हाई है और मैं कॉर्नर पर कैसे लगा रही हूँ और ये मैं थोड़ा आई लाइनर की ऊपर लिड पर जो है वो यहाँ पर भी थोड़ी सी थिक लेयर इसकी अप्लाई करूंगी और मैं इसका कॉर्नर बनाऊँगी ठीक है इसके बाद हमें इसको इतना अच्छा मिक्स करना है कि ब्राउन और मरून जो है वो मिक्स हो जाए पता ना चले कि कहाँ पे लाइन शुरू कहाँ पे लाइन खत्म हुई है ठीक है इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद सिंपली बस हम ये वाला हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है पिंक जो है वो बेबी पिंक सॉफ्ट पिंक मेरा फेवरेट शेड है ये हाइलाइटर का ये बस मैं सेंटर लिड पर अप्लाई करूंगी ठीक है सेंटर लिड पर इसको अच्छे से अप्लाई कर लेने के बाद Uh, मैं जो है वो ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड करूँगी कॉर्नर और इसको ताकि uh, कोई इवन लाइन शो ना हो ठीक है ये देख रहे हैं आप मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसी जो शेड मैंने सेंट्रल लिड पर लगाया है हाइलाइटर का वही मैं ब्रो लाइन के नीचे भी अप्लाई करूंगी जब आपके ब्रोज बने हुए होंगे तो ये आपको और अच्छा शेड देगा जब आप अप्लाई करोगे अपने चेहरे पे आपको पता चलेगा अब जो मैंने शेड इनर आउटर कॉर्नर्स पे लगाया था वही शेड जो है वो मैं अब हमारी वाटर लाइन के नीचे भी यूज़ करूँगी और आप देख रहे हो मैंने किस तरीके से बस हल्का सा शेड एक दे दिया है ज़्यादा आपकी ताकि आई प्रोमिनेंट लगे इसके बाद इनर जो आपकी आई है उसमें आ, मैं जो है इनर कॉर्नर्स पे भी इसको वही हाइलाइटर शेड मैंने लगाया है इनर कॉर्नर पे ऊपर और नीचे की तरफ और बस इसके बाद हम आई लगाएंगे बहुत इजी है क्विक है ठीक है आईलाइनर लगाएंगे आईलाइनर भी आप देख रहे हो कि मैं किस तरीके से ब्लेंड करते हुए लगाती हूँ ताकि जो इसका आ, कहीं से वो गंजापन ना लगे ठीक है साइड से पहले कॉर्नर लाइन बनाकर और इसको हमने सिंपली मार्कर से ब्लेंड कर दिया है ठीक है इनर पर भी हमें बहुत अच्छे से लाइन बनानी है ताकि वो खालीपन ना लगे ओके ये जो है वो हमारी अब अगर आप आगे से चाहो तो कैट आई के लिए इनर लाइन जो है वो और लॉन्ग कर लो मैं इतनी ही लगा रही हूँ मैं इसको ज़्यादा बड़ी नहीं कर रही बिल्कुल सॉफ्ट लुक ये आपका आएगा जब आप घर में छोटी मोटी दावतों में करोगे ठीक है कॉर्नर से जो है वो मैं इसको नीचे से भी जोड़ दूँगी थोड़ा सा इसके बाद हम जो है वो मस्कारा अप्लाई करेंगे सिंपल मस्कारा लेकर जो है वो ये चीज़ को मैं अच्छे से मतलब कर्ल करूँगी और ये आप देख रहे हो कि ये मेरी मस्कारा के बाद की कंप्लीट लुक है ठीक है तो nice. ये थी सिंपल सी थ्री स्टेप लुक ठीक है सिर्फ थ्री कलर्स इसमें यूज़ हुए हैं एंड दैट्स एट तो मुझे, तो आप लोग मुझे लाइक like करके बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएगा कि वीडियो कैसी लगी है अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना है प्रैक्टिस करके आप लोग मुझे भेजेंगे ये रही लास्ट इसकी पिक्चर ठीक है ये आ, वीडियो में थोड़ा सा मतलब पिक्सल्स की वजह से थोड़ी ख़राब हो सकती है पर आप लोग मुझे प्रैक्टिस करके पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर भेजेंगे ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप शेयरिंग अल्लाह हाफिज़